नमस्कार दोस्तों, सेल सेंटर में आपका स्वागत है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है G20 को लेकर के। आप सभी को पता है कि G20 जो ये ग्रुप है इकोनॉमिक इशू को लेकर के डील करता है। इंडिया 2023 का इसका प्रेसिडेंटशिप करा, हम लोग कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एक नए पॉइंट्स हैं, कुछ नए इशूज हैं, हम उसको लेकर के डिस्कस। सबसे पहले हम G20 का बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड सबसे पहले G20 का देखिए, इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1999 में, इट क्लियर। और इसको 7 कंट्री मिलकर के इस्टेब्लिश किया था। इसका यह मतलब नहीं G20 ग्रुप 20 कंट्री का है, इसका मतलब सभी ने किया। उस समय G20 को 7 कंट्री मिलकर के किए। वो कंट्री का नाम देख लीजिए, जापान है, फ्रांस है, जर्मन है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसको वाशिंगटन DC में इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जब इस्टेब्लिश किया गया उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था क्या या रीजन क्या था? इसका सबसे बड़ा जो रीजन था 1997-98 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी ना, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा गया था। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में या फिर उस मैं बोल सकते हैं जब 1990 के बाद हम देखें, जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ा। जिसको हम नियो लिबरलिज्म या फिर ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाने जाने लगने, जिसे 1991 में हम LPG लाए अपनी, ठीक है, नरसिम्हा राव सर की जो कि गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसमें LPG लाया गया। LPG का मतलब, L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब ग्लोबलाइजेशन लाया गया। और इन सब के बाद जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो अमेरिका ने इतना जोर शोर से कैपिटलिस्ट या ग्लोबलाइजेशन का पुरजोर जो कि समर्थन किया, पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट हो गया एक दूसरे से। और हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली 1997 और 98 में, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस, और उससे ये हुआ पूरे वर्ल्ड में इसका जो है कि इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट देखने को मिला। पूरा वर्ल्ड जो है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में आ गया। तो ये सारी कंट्री, 7 कंट्री जो हमने अभी काउंट किया, वो मिल करके एक डिसाइड किया कि हम एक ऐसी टॉप 20 कंट्री का एक ग्रुप बनाते हैं जो एनुअली ये डील करेंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इशू से। कौन सी इकोनॉमी? मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के, ठीक है। इसको तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया। हालांकि 1999 के बाद से लेकर के 2008 तक ज़्यादा कुछ मतलब हुआ नहीं, बस हेड ऑफ स्टेट का मीटिंग हुआ करती थी और मैक्रो इकोनॉमिक को ही बस जो कंसीडर किए करते थे। लेकिन 2009 के बाद ये थोड़ा सा अपने मतलब कि एरिया को एक्सपेंड किया। अब किया क्या है, इसके पीछे रीजन ये था कि इस समय 2008 और 2009 में एशियन क्राइसिस हो गई थी, इज दैट क्लियर, और इकोनॉमिक के लिए बनी ही थी। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस जब एशिया में हुई तो अदर कंट्री को भी इन्फ्लुएंस हुआ, तो इनको लगा कि अब ऐसा है ना, बस मैक्रो इकोनॉमिक को हम कंसीडर करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, हम इसको और भी इसके जो सब पार्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड उनको भी कंसीडर करें। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की बात होती है, दैट क्लियर, मान लीजिए कहीं भी डिजास्टर आ जाता है, जैसे फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक पे भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए कोई कहीं प्लांट लगा हुआ है, कोई अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, साइक्लोन या फ्लड की वजह से वो कोलैप्स हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल पा रही है, तो वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग होगा कैसे, ये चीज़ों। दूसरी चीज़ ये है कि अब हेल्थ को भी कंसीडर करेंगे, क्यों, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है वो बीमार पड़ जाए तो भाई काम कौन करेगा, हालांकि मशीन है लेकिन मशीन बनाने के लिए तो आदमी चाहिए ना, चाहिए। दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर को भी कंसीडर, क्यों, देखिए एग्रीकल्चर ये जो है ना, आप ये कह सकते हो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, क्या प्रोवाइड करवाता, रॉ मटेरियल, तो एग्रीकल्चर को भी लोग कंसीडर करने लगे। फिर एनर्जी को भी कंसीडर किए, हेल्थ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी कंसीडर किए, क्यों, क्योंकि 2000 से लेकर के 2015 तक MDG चला था, MDG का मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल,
फिर उसके बाद 2015 से लेकर के 2030 तक SDG है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल कि जो भी रॉ मटेरियल या फिर ये कह सकते हो कि जो रिन्यूअल या फिर नॉन रिन्यूअल मतलब जो कन्वेंशनल रिसोर्स है उसको हम इस तरह से यूज करें कि हम फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन को भी सेव करके रखें उनके लिए भी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। अब आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर जब बात आती गई आ ही गई है तो इसमें हम कह सकते हैं 17 गोल है इसमें। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, एडुकेशन प्रोवाइड करवाना, क्लीन वाटर मिलेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, लेबर काम करेगा अच्छे से, तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा और 2009 के बाद इसने ने अपने एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड किया कि अगर नहीं भाई हम बस मैक्रो इकोनॉमी को अगर कंसीडर करते हैं ना तो मज़ा नहीं आएगा और कहीं ना कहीं हमारा जो एम है ऑब्जेक्टिव है फुलफिल नहीं हो पाएगा। तब से इकोनॉमिक को और ओपन ब्रॉडर कर दिए। अब हम आते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ ले कि बस मैक्रो इकोनॉमी को कंसीडर करता, तो नहीं ऐसा नहीं है, वो अदर क्लाइमेट को एग्रीकल्चर सबको आप करता है। कुल मिला के ये है कि जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है उस सबको जो है कि ये कंसीडर करता है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा इसका हम एक सेकेंड, हाँ ओके। अब इसके बाद देखें कि इंडिया जो कि इसकी इसका प्रेसिडेंट बन गया है अब एक साल के लिए 2022 और 23 का लेकर के, और ये जो है कि इसकी जो एनुअल मीटिंग होती अक्टूबर में होगी दिल्ली में 2023 में, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया अगर प्रेसिडेंसी शिप कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए चैलेंजेस भी होंगे, ठीक है, तो चैलेंजेस हम बाद में देखते हैं। थोड़ा सा एक वर्ड है, वर्ड ये कहता है कि जो प्रेसिडेंटी शिप ली जाती है ना वो ट्राइका पे लिया जाता है। ट्राइका, ट्राइका का तो मतलब हम देख सकते हैं, ट्राई से मतलब तीर निकल के आता है, क्या, ट्राई ट्रॉय इका ट्रॉयका, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पे डिवाइड करके हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए पास्ट, पास्ट या प्रीवियस, प्रीवियस फिर करेंट, करेंट या प्रेजेंट, ठीक है, और उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर अपकमिंग। अब इसका ये मतलब है ट्रॉयका का मतलब, जो एग्जांपल के थ्रू देखिए 2022 में कौन प्रेसिडेंटशिप लिया था, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लिया था, तो ये पास्ट का हो गया। करंट में कौन है, इंडिया है, तो ये करंट प्रेजेंट का हो गया। फ्यूचर में ब्राजील करेगा, तो ये एक डिसाइड होता है। अब देखिए जब से ही ब्राजील आएगा ना, ब्राजील, तो ब्राजील के बाद 2024 का जो प्रेसिडेंटशिप कौन करेगा तो वो उसका जुड़िया दिया जाएगा, और तो इंडिया पास्ट हो जाएगा और ब्राजील जो है कि करंट हो जाएगा और आने वाला जो है कि उसका फ्यूचर हो जाएगा। ये ट्राइका का मतलब ये यही होता है, राइट। ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस काफ़ी ही खतरनाक हैं, ठीक है, इंडिया खुद अपना भी कंसर्न्स है और वर्ल्ड का भी जो कि इशू है। तो हम पहले हम वर्ल्ड का देखते हैं कि इंडिया के लिए वर्ल्ड में कौन कौन से इशू होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये हाँ ओके। अब सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे इशू क्या है, जो अब देखिए इशू, उससे पहले एक लाइन हम थोड़ा सा हमें मिस कर रहे हैं, जो ये G20 का मीटिंग है ना, 18th मीटिंग है हेड ऑफ स्टेट का, इस दैट के इसको एकदम अच्छे से, 18th मीटिंग है, और जो अभी हुआ 17 मीटिंग था, अभी जो हो रहा है 18 है, आने वाले में 19 होगा जो ब्राज़ील करेगा, ये इंडिया किया है, और 17 जो कि इंडोनेशिया किया था, ठीक। अब आते हैं कि अब जो इंडिया के लिए चैलेंजेस है या वर्ल्ड के लिए है वो भी देख लेते हैं। अब वर्ल्ड का अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को लेकर के, ठीक है, दूसरी बात रिसेशन चल रहा है वर्ल्ड में, रिसेशन, और यूक्रेन प्लस रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद रसिया और यूरोपीय यूनियन का अपना खुद टसल चल रहा है, उसके बाद USA और इसमें भला के नहीं दिया है चाइना का खुद चल रहा है, उसके बाद इंडिया का खुद अपना, ठीक है, इंडिया का खुद अपना जो कि चाइना के साथ टसल चला। हालांकि जब 17 मीटिंग हुई बाली में, इंडोनेशिया में,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे अपना बात किया और कंसर्न अपना इशू किया, लार्जली इशू को वो अलग करके रखेंगे जो अदर देन इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा, राइट। तो ये इनका हमारा इशू था इसमें। अब आते हैं जो इंडिया से मतलब कि जो है मतलब इसका जो थीम है, थीम वैसे हालांकि कोई प्रॉपर तरीके से नहीं है कि इसका थीम फॉर्मल इस तरह का पावर कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। बट उसके बावजूद भी ने इंडिया ने अपना एक फिलोसफी के अनुसार, देखिए फिलोसफी के अनुसार वसुधै कुटुंबकम मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दूसरी बात लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थ्रू थीम और लोगो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड लाइफ और थीम जो फिलोसफी वन नेशन वन फैमिली वन अर्थ को लेकर के। आई थिंक आप लोग इसको एकदम अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ये मीटिंग होती है ना मोस्टली दो ट्रैक पे डिसाइड करके होती है, दो ट्रैक पे। तो जो ट्रैक होता है पैरेलल चलती हैं तो उसको एक को फाइनेंशियल बोलते हैं और दूसरे को शेरपा। फाइनेंशियल का मतलब ये हो गया कि जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे हर कंट्री के प्लस जो सेंट्रल बैंक हो जैसे इंडिया के आरबीआई उसके जो कि गवर्नर होंगे वो पार्टिसिपेट करके फाइनेंस से रिलेटेड करें। दूसरी चीज जो शेरपा की बात करेंगे तो जैसे उसमें पर्सन होंगे जो लीडर्स हैं, फिर उसके बाद प्रोमिनेंट मतलब जो लीडर होंगे इमिनेंट होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सबमिट में कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। इज दैट क्लियर। दूसरी बात है ये डिजाइन अराउंड स्पेसिफिक थीम ऑपरेशन विद इन बोथ ट्रैक के हमने अभी जो डिस्कस किया, और ये तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, उनके अलावा अदर जो पार्टिसिपेट करेंगे एक सेकंड थोड़ा सा जो अदर लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो जैसे मान लीजिए कि OECD, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, फिर उसके बाद इमिनेंट जो पर्सनालिटी होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इधर क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले देखिए ट्रॉयका का मतलब, दूसरी चीज 18th मीटिंग हो रही है जो कि इंडिया 2023 का कर रहा है, दूसरी चीज उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली ये है, दूसरी चीज है 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद 2009 में इसकी एरिया को और एक्सपेंड किया गया, दूसरी बात चैलेंजेस जो हैं इन्फ्लेशन को लेकर के हैं इन्फ्लेशन, उसके बाद जो है कि रिसेशन है, रसिया यूक्रेन वार है और इंडिया चाइना का खुद अपना टसल है, फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन प्लस रसिया का चल रहा है टसल। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम्स के PT और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।